हाय दोस्तों, मैं अमित कुमार, आप सबका अपने इस मैथ चैनल एजी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग कुछ ट्रिक देखेंगे, और उन ट्रिक के माध्यम से जो प्रश्न हम लोग पिछले विगत वर्षों में, जैसे रेलवे, बैंकिंग, SSC सब में पूछे जा चुके हैं, उनको हम लोग बनाने का यहाँ कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का ध्यान बोर्ड में होना चाहिए। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आप आवाज कम आ रहा होगा तो थोड़ा उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि अभी माइक का थोड़ा प्रॉब्लम है और अभी ऑनलाइन कुछ मिल नहीं रहा, तो आगे इस प्रॉब्लम को मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा। आप लोग ध्यान दीजिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे परसेंटेज का कुछ बेसिक रूल हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब क्या होता है पहले वो समझें। तो परसेंटेज जैसे किसी भी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं हम 100, ये संख्या है ठीक। अगर इस संख्या का अगर आपसे पूछ दे 10%, ठीक। या फिर मान लीजिए कोई संख्या है एन, है एन का आपसे पूछ दे 20%, ठीक है। या फिर एन का आपसे पूछ दे 25%, ठीक है। या फिर एन का आपसे पूछ दे 32%, ठीक है। या फिर पहले इतना देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण हम लोग परसेंटेज देखेंगे, जो ज्यादातर एग्जाम में वही परसेंटेज पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर एन का 10%, अगर मतलब 100 का अगर 10% हम लोग देखने जाएंगे, तो आप लोग ये सब तो पता होगा। जैसे कि 100 का 10%, तो 100 का 10%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 75। ये तो सबको पता ही होगा कि प्रतिशत जो है वो उसको भिन्न में 10% है, तो 10% को हम लोग 10/100 लिखेंगे। प्रतिशत ही ये 75 में आ जाता है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया, कहने का मतलब 10, इसका 10% 100 का 10% 10 ही होगा। तो ये सब हम लोग जानते हैं। और दूसरा चीज है कि इसमें हम लोग बस बेसिक रूल ये था, अब हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, एक से लेकर पूरा 100 तक का हमको प्रतिशत, ऐसा हम लोग मतलब कि ट्रिक सोचना, मतलब कि इसमें हम बताएंगे अभी इसके बाद, कि एक से लेकर 100 तक का प्रतिशत में कुछ भी दिया हुआ रहे आप देख के तुरंत बता दीजिएगा, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे पहला, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे बचपन में, और ये मतलब कुछ करना नहीं है। अगर किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का, जैसे यहाँ 100 है या एन भी रहे, तो एन किसी भी संख्या का अगर हम लोग 10% निकालना रहे, तो हमको सिर्फ जो संख्या है, जैसे यहाँ 100 का 10% का, तो जो संख्या है उसके दाहिने साइड से, यानी इकाई अंक से, इकाई अंक से पहले, इकाई अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। जैसे यहाँ 100 का 10% निकालना है, तो इकाई अंक यहाँ 0 है, 0 के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है। तो आपका जो कितना परसेंट यहाँ पे नजर आ रहा है, 10%, यानी 100 का 10% कितना हो गया, 10। और वो कैसे हो रहा है, 10% बोला है, इसलिए इधर से इकाई अंक से एक अंक पहले दशमलव लगा देना, इकाई अंक उससे एक अंक पहले दशमलव लगा देना। अब कितना भी बड़ा संख्या दे दे, जैसे मान लेते आपसे पूछ दिया कि 5000 का 10% कितना होगा, ठीक है। तो बस हम देख के ही बता देंगे, एक अंक पहले पॉइंट लगा देना है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद तो कोई 0 का वैल्यू कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे 5000 का 10% 500 हो गया। तो ये 10% निकालना अब हम लोग सीख गए दोस्तों। तो आप लोग खुद समझदार हैं, बताइए कि 10% जब मान लेते हैं 100 का 10% 10 है, ठीक। या फिर 5000 का 10% 500 है, ठीक। तो आप बताइए कि यही 5000 का अगर आपसे पूछ देता, यही 5000 का आपसे 20% पूछ देता, तो बताइए तो कितना हो जाता। हमको लगता है बहुत लोगों ने इसका जवाब बता भी दिया हो, दिए होंगे आप लोग। तो बताइए सर कितना होना चाहिए। 1000। बिल्कुल सही। तो कैसे 1000 हो रहा है, क्योंकि यहाँ 10% जब 500 है, तो 10 का दुगना है ना यहाँ दोस्तों, 20। तो 10 का दुगना जब 20 है, तो यहाँ भी इसका दुगना कर दीजिए, बस। बहुत अच्छा जवाब था। देखिए 1000 हो गया। अब यही चीज पूछ दे कि इसका 30% कितना होगा, तो वहां पे 3 गुना हो गया, 10 का 3 गुना 30 हो गया, इधर भी 3 गुना कर दीजिए, 1500। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि 10%, 20%, 30%, मतलब 100% तक आप लोग निकाल सकते हैं। अब बात रह गया, जैसे कुछ हम लोग कभी ऐसा देते, मतलब कि 10% 20% तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कभी 25% दे दे, 35% दे दे, 15% दे दे,
हमको लगता है कि ये भी आप लोग दिमाग लगा लिए होंगे क्या करना है, तो थोड़ा सा हम लोग तो मिटा लेते हैं बोर्ड को, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सीखा 10 से लेकर 100 तक प्रतिशत अगर निकालना रहे और इकाई अंक में जीरो होना चाहिए, जैसे 10 इकाई अंक में जीरो, 20 इकाई अंक में जीरो है, 30 इकाई अंक में जीरो, तो समझ गए होंगे। अब हम मान लेते हैं कभी कभी 15% खुल जाए, ठीक 15% खुल जाए किसी भी संख्या का, मान लेते हैं संख्या हम लोग कुछ भी ले सकते हैं 6000 का, ठीक है 6000 का अगर 15% खुल जाए, या फिर इसी का आपको 25% खुल जाए, ठीक, या फिर इसी का आपको 5% पूछते, ठीक 5% पूछते। तो देखिए दोस्तों ये जो 5% है ना, ये निकालना सीख लिए तो इधर तब आराम से निकाल लीजिएगा आपको। जैसे कि 5% अगर देखा जाए तो हम लोग अभी इससे पहले वाला में पढ़े थे कि 5000 का 10% निकाले थे तो कितना आया था 500, ठीक। तो अब हमको यहाँ बताइए आप लोग 6000 का 10% 6000 का 10% 600, वेरी गुड सर। तो 6000 का 10% जब हम लोग 600 हो रहा है, तो 6000 का 10% सॉरी 6000 का 10% 600, तो बताइए दोस्तों कि 6000 का वही 6000 कितना का 5% कितना होगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, देखिए दोस्तों लग रहा है कि आप लोग समझ रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये प्रतिशत जो पहले था 10 तो हो गया 5, आधा हो गया, तो यहाँ वैल्यू जो 600 था उसको भी आधा कर दीजिए, बस हो गया। तो समझ गए होंगे 5% भी। अब ये सब आप लोग तुरंत बताइए, बताइए 6000 का 15% बताइए सर 900, वेरी गुड, क्योंकि 10% 6000 का पहले देखेंगे माइनस करके 900 आ गया तुरंत। अब 900 आया तो यहाँ पे कैसे 900 आ रहा, पहले तो 10% हम निकालेंगे, फिर हम लिख रहे हैं समझाने के लिए दोस्तों, ये आप लोग डायरेक्ट 900 लिखिएगा, जैसे हमारे सामने जो बैठे हुए हैं हमारे दोस्त मित्र, वो अभी तुरंत बताएं 900, तो वो कैसे बताएं, माइंड में सारा कैलकुलेशन होना चाहिए, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले तो 6000 का 15% जब यहाँ है तो इसको तोड़ेंगे कैसे, 10% 5%, तो 10% 6000 का 600 और 5% कितना 300, तो 600 और 300 जब जोड़ दिए दोस्तों तो बताइए कितना 900 आया। ये हमारे मित्र जवाब दिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब आप लोग अब हमको लगता है कि आप लोग को इसका 25% बताने में जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक ना, 25% तो आप लोग निकाल भी लिए होंगे हमको लगता है, तो बता दीजिए एक बार, थोड़ा हम भी खुश हो जाएंगे। 1500, ठीक है सर, बहुत अच्छा 1500 तरुण सर के तरफ से जवाब आया है, तो अब हम देखते हैं 1500 है कि नहीं। तो यहाँ का 20% निकालेंगे जब, तो 6000 का 10% 600 × 6 = 1200, अब 1200 और 300 1500, बहुत अच्छा जवाब सर। तो लग रहा है कि मेरा हम जो बता रहे हैं सब, जब मेरे मित्र को समझ में आ रहा तो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। और अब देखिए सर हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे 25% भी, आप 25% तो हम लोग देख लिए 1500, लेकिन एक और तरीका हम बताने जा रहे हैं, ठीक ना, जो थोड़ा सा और आपका समय को बचाएगा। तो थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग 25% तो हम लोग देख लेते हैं कि 1500 आया था, तो अब हम लोग 25% जो 1500 आया था कितना था संख्या 6000, ठीक 6000 का आपका 25% बराबर आया था 1500, ठीक ना, हम यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं 1500। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 25% बराबर 1500 हम लोग तो निकाले कैसे करके, यहाँ पे 10% 600, 6 × 1200, 12 × 300 5% 1500, लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा दूसरा तरीका देखने जा रहे हैं, ठीक ना, तो इसको समझिएगा दोस्तों। जैसे 6000 का 25%, तो देखिए दोस्तों जब 25% पूछे तो हमको 25 का कितना गुना करेंगे कि तो आगे बताइए, 25 4 गुना, तो 4 गुना 25 का 4 गुना 100 है, तो यहाँ पे हम इसको आप 4 से भागा दे देंगे, जो आएगा आपका उतना ही वैल्यू हो गया, यानी यहाँ 4 से जब भागा देंगे सीधा आ जाएगा 15 × 7, ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 4 × 4, ये तो समझ गए ना सर, इसको शॉर्टकट मार दिए हैं, तो ठीक है करिए करिए 2 0 यहाँ पे आपका उतर जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप 4 से भागा दे सकते हैं, ठीक। इसको समझिएगा कि 25% पूछा तो हम देखेंगे क्या कि 25 का कितना गुना 100 है, तो 4 × 100 है, तो 4 से भागा देंगे। अब यही चीज रहता, अब आप ही लोग जवाब दीजिएगा, देखिए इसका बताइए, यही 6000 का, यही 6000 का अगर 50% पूछ दे तो क्या कितना होगा बताइए, मतलब कि आपका वैल्यू आ जाता है जो आप निकालना चाह रहे हैं,
और दूसरा तरीका था 10% निकालना जान रहे हैं कि 10% 600 तो 5 गुना कर दीजिए उसको तो 6 × 5 = 30 50%। अगर 10% हम निकाल दिए 600 तो 50% उसको करेंगे तो उसका 5 गुना करना होगा, 600 गुने 5 करेंगे तो 6 × 5 = 30 3000 होगा। तो सर इसका 50% 3000 होगा, ठीक है ना। भागा कर भी, भागा से भी अगर करेंगे तो 50 × 200 दो बार में हो रहा है तो 2 गुना है तो यहाँ 2 से भागा देंगे यानी 6000 में 6000 का 50% निकालने के लिए कितना से भागा देंगे, 2 से भागा देंगे। तो 2 से जब भागा देंगे तो 2 × 3 = 6, ठीक ना। अब ये 3 जोड़ यहाँ आपका 3 जोड़ बढ़ जाएगा यानी 3000 आपका 50% निकलेगा। तो दोस्तों जो आपको इजी लगता है वो तरीका अपना सकते हैं। और दूसरा एक चीज, कभी कभी दोस्तों देखिएगा आप एग्जाम में कभी कभी इस तरह का दे देता है, जैसे 25 का आधा कितना हो गया 12.5। तो अब हम लोग 12.5% 6 × 1/4% ये सब देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने प्रतिशत निकालने का बहुत तरीका देख लिया, ठीक। अब कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसमें भिन्न में आपका दे दिया रहा है संख्या प्रतिशत, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं 4000, ठीक ना। 4000 का अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 12.5% 12 × 1/2% बराबर कितना होगा, ठीक है, 12.5%। या फिर इसी संख्या का 4000 का आपसे पूछ दिया जाए 6 × 1/4%, ठीक है। तो इस तरह से जब देखते हैं हम लोग ना तो प्रतिशत वाला भिन्न में थोड़ा सा मन में लगता है कि इसमें कितना इसमें गुना करके इससे भाग, अगर बेसिक रूप से आप सोचिएगा तो तब देखिए कितना सोचने में कितना समय लगेगा कि इसको पहले इससे गुना करके यहाँ जोड़ के पहले भिन्न में बदलना होगा, ठीक है। उसके बाद की प्रतिशत मतलब बढ़ता सब गुना नीचे में 100 लिख देंगे, काट कूट करके उसे लाएंगे, ठीक। सोचने जब हम बोल रहे थे इतना समय लग रहा था, बनाने में आप प्रयास कर लीजिएगा, इससे अधिक समय लगेगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ पे सबसे पहले अभी इससे पहले हम सीखे कि 25% निकालने के लिए कितना से भागा दे रहे थे, 4 से, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे 25 का आधा होता है 12.5, 12 × 1/2 = 25 का आधा है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहीं पे समझने वाला बात, जैसे मान लेते हैं उसमें था आपका यहाँ पे 4000 का 25% जब हम निकाल रहे हैं तो कितना आएगा, 1000, क्योंकि 4 से भागा देना है 25% निकालने के लिए। और क्यों 4 से भागा देना है, क्योंकि 25 का 4 गुना तो होता है 25, क्योंकि तो इसे 4 से भागा दिया तो 1000 आ गया। अब यहाँ पे जब यहाँ पे प्रतिशत यही प्रतिशत 12.5% पूछे, 12.5 ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, 12.5 12.5 ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं, या फिर इसी को 12.1/2, ये दोनों वैल्यू एक ही चीज है, ये दोनों एक ही, ठीक। तो अब बताइए कि यहाँ 4 से भागा दे रहे थे तो यहाँ कितना से भागा देना होगा, थोड़ा 8 से भागा देना होगा, बहुत अच्छा सर। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 4 से भागा दे रहे थे ना, 25% था, तो 25% था तो हमको थोड़ा सा ये बताइए कि 4 से जब इसको हम भागा दिए, ठीक ना, तो 4 से भागा दिए तो कितना आया, 1000। इस यहाँ पे 12.5 करके दो बार करेंगे तो 25 अब इसी का, अब यही चीज यही से आप समझ जाइएगा इसका वैल्यू कितना आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे 25% था तो हम लोग भागा दे रहे थे कितना से, 4 से, ठीक ना, डिवाइड कर रहे थे हम लोग 4 से जो संख्या, ठीक ना, संख्या को डिवाइड कर रहे थे, मान लेते संख्या कुछ भी है n है, तो 4 से भागा देते 25% निकालने के लिए। अभी हम लोग 12.5% निकालने के लिए कितना से भागा दिए, 8 से, इसका आधा निकालने के लिए, है ना, 12.5% निकालने के लिए 8 से भागा दिए, 12.5% निकालने के लिए n/8। तो यहीं से आपको इसका समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 6 × 1/4%, तो पहले ये समझ लीजिए 6% × 1/4% इसका आधा है,
जैसे 25 का आधा साढ़े बारह का आधा छह तो ना 16 से भाग दें। देखिए बस यही चीज हम आप लोग से उम्मीद कर रहे थे दोस्तों, जैसे हमारे मित्र ने जवाब दिया 16 से भागा देंगे, तो आप लोग भी जरूर समझ गए होंगे 16 से क्यों भागा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस 16 से भागा दे दीजिए। मतलब प्रतिशत आधा हो रहा है तो उसका जो डिवाइड करने का संख्या दुगना हो रहा है, यही समझना था। प्रतिशत जब आधा हो जाता है तो डिवाइड करने का जो संख्या है दुगना हो जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे बस प्रतिशत जब यहाँ पे इसका आधा इतना है छह गुना के बटे चार, तो इसका जब आधा है तो इसका जो भाग लगाते हैं हम लोग आठ से, तो उसका दुगना हो जाएगा 16 से। यहाँ तक तो समझ लिए, बस यही। अब इसके बाद एक तो और बताएंगे, उसके बाद फिर आपका कहीं एक से लेकर 100 तक में कोई दिक्कत अगर हुआ दोस्तों तो आप बताइएगा हमको, कभी भी कोई प्रॉब्लम अगर हुआ आपको तो कमेंट करके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं, एक मतलब इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों। अभी तक हम लोगों ने जितना भी देखा उसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर का, तो इसको जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1% किसी भी संख्या का कैसे निकाला जाता है। तो 10% हम लोग देख चुके हैं, तो 10% में हम लोग का याद कीजिए कि क्या करते थे। 10% में जैसे 8000 का 10% निकालना रहता था, तो क्या तरीका लगाते थे कि इकाइयों के पहले दशमलव लगा देना है, ये था। तो 8000 का 10% 800 होता था। यहाँ पे 1% जब निकालना रहे तो इसमें क्या करना है आपको, इकाई दहाई दहाई अंक के पहले दशमलव लगा देना है। मतलब कि आप बताइए कि 8000 का 1% कितना हो जाएगा, 80। बहुत अच्छा, ठीक है। तो बताइए, समझ गए आप लोग कि 1% निकालने के लिए दहाई अंक के पहले दशमलव लगा देना है। वही 10% में क्या होता था, इकाई अंक के पहले। तो अब बताइए 7% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए दोस्तों। 7% अगर 1% हम निकाल लिया 80, ठीक है, तो 7%, तो 7 गुना हो गया इधर प्रतिशत में, 7 गुना जब इसका प्रतिशत हो रहा था इधर भी तो 7 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 7 गुना करेंगे तो 8×56=0। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर मान लेते हैं उसी का 17% है तो बताइए कितना होना चाहिए, 1360। ठीक है, यानी 17 का टेबल आना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा हम अपना मन में पढ़ लेते हैं, आप लोग भी पढ़ लीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं हमारे मित्र तरुण जी, तो 1760 आ जाएगा, क्योंकि 17×136। अब 136 में यहाँ एक जीरो डालना है, 1360 आ जाएगा। तो अब तो हमको लगता है कि प्रतिशत में एक से लेकर 100 तक में अगर कोई आपसे पूछ ले तो हमको लगता नहीं है कि आप 2 सेकेंड या 3 सेकेंड से ज्यादा समय लेंगे, जैसा कि आपके सामने अभी प्रमाण है, हमारे तरुण जी तुरंत जवाब दे दे रहे हैं। और ऐसा भी मतलब हम अब हम लोग सीधा उतरेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम मिटा देते हैं बोर्ड को, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग जब परीक्षा विगत वर्षों वाला प्रश्न अगर देखेंगे तो उससे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, इसी पे आधारित बहुत प्रश्न अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए इसमें ये इसको समझना है, ठीक ना, ये मूल्य है, ठीक, और ये खपत और बिक्री है। तो जैसे आपका इसको समझिए कि जब मूल्य में एक ये प्लस जो है और ये माइनस, वो किसको दर्शाता है, प्लस वृद्धि को और माइनस कमी को, ठीक, कमी को। अगर किसी वस्तु, जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी वस्तु के मूल्य में 1% की वृद्धि हुई और बी पर उसका खपत में 20% का कमी हुआ, तो बताइए कि उसका जो दुकानदार के जो पूरे व्यापार में उसको क्या हुआ, प्रतिशत कम, कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हुआ, वो समझना। तो यहाँ पे हम लोग बस यही देखेंगे कि ए को क्या है वृद्धि से, ए यहाँ वृद्धि है और बी आपका कमी है, ठीक। तो यहाँ पे ए और बी 2% दिया हुआ है आपका, ठीक है, इतना प्रतिशत का कमी, ठीक, 10% का कमी। तो ए और बी भी समझिए, तो उसका खपत में इतना प्रतिशत का वृद्धि हो जाता है, समझिए। ए और बी क्या है, प्रतिशत को दर्शाता है। यहाँ पे हम नोट में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसको तो हम यही के लिख दे रहे हैं दोस्तों।
ये आपका वृद्धि दिखा रहा और ये आपका कमी दिखा रहा, कमी दिखा रहा, और ए और बी के बारे में यहां लिख रहे हैं, ए और बी, ए और बी आपका जो है परसेंटेज प्रतिशत को दर्शाता है। देख लीजिए नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग अभी ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा हार जाता हूँ समझने के लिए। और बस अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो सर थोड़ा सा आप प्रश्न जो है इस पर आधारित थोड़ा बताइएगा सर। और दोस्तों थोड़ा हम प्रश्न अभी आप मतलब कि इसमें ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे, तो ले लिए हैं तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर ऊपर से नहीं मिटाएंगे तो आपको जो क्वेश्चन नजर आएगा अभी बोर्ड में तो वो फिर आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा दोस्तों, इसलिए इसको हम ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको बोर्ड में एक प्रश्न नजर आएगा और मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे मित्र जो हम मेरी सहायता करेंगे। तो सर आप जरा क्वेश्चन जो है वो पढ़िए। किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी होने पर, बस 25 पर जहां कमी या वृद्धि प्रतिशत आए वहां रुकना, तो 25% की क्या हो रहा था? कमी हो रहा, ठीक है। कमी को किससे डिनोट करते हैं? माइनस से। 25% कमी हुआ, उसके बाद उसकी बिक्री पर 50% की वृद्धि हो जाती है। तो बिक्री पर 50% की 50% आया वहां पे रुकना है, ध्यान देना है क्या हो रहा है, वृद्धि कमी, वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं? प्लस से, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ के बाद कुछ नहीं करना है यहाँ, हाँ आगे आप पढ़ दीजिए सर क्वेश्चन एक बार पूरा। तो किसी दुकानदार के आय पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा? तो दुकानदार की आय पर प्रतिशत प्रभाव पूछा है, तो बताइए कि यहाँ पे कमी हुआ था 25% और बिक्री 50% बढ़ गया, तो बताइए यहाँ माइनस प्लस मिलकर क्या होता है? बचपन में ही पढ़े होंगे दोस्तों, बहुत बार पढ़े होंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। और ए बी प्रतिशत बोले थे कि ए और बी को दर्शाता है, ए गुने बी बटे 100 होता था, फॉर्मूला आप लोग इसी को कर लिए हैं, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 25 × 50 और बटा 100, तो बताइए फटाक यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस प्लस मिलकर माइनस, तो इसको जब करेंगे तो 50 − 25 करेंगे तो 25 हो जाएगा और प्लस 25 रहेगा, क्योंकि बड़ा अंक के पहले प्लस लगा हुआ है। अब यहाँ पे यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे 50 × 100 हो जाएगा और 2 से इसको 25 को काटेंगे तो 12.5 कटेगा, मतलब 25 का आधा 12.5। अब बताइए तो 25 में से फिर हटाना है 12.5, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा दोस्तों? 12.5 और प्लस की माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस जब है तो लिखा तो नहीं जाता है, और हम लोग प्लस जब रहता है तो समझेंगे कि बार ये जो आपका हुआ है 12.5% वो क्या है? वृद्धि हो रहा है। बहुत अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपको हम बोर्ड पे नजर आएगा, और सर थोड़ा आप उनको बता दीजिएगा क्या है अगला प्रश्न, पढ़िए सर। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 30% की वृद्धि हो रही है। बस यहाँ पे रुक जाएगी थोड़ा, देखिए किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में, तो यहाँ पे इससे पहले हम लोग जब पढ़े थे उसमें मूल्य में वृद्धि हो रहा था और खपत में, मूल्य और खपत का बात हो रहा था, वस्तु का, ठीक है, बात हो रहा था। यहाँ पे हम लोग वस्तु का बात नहीं होकर आकृति का बात हो रहा है, आयत का बात हो रहा है, ठीक है। तो आयत का बात हो रहा है तो इसमें मूल्य आपका नहीं दिया हुआ है, इसमें आपका क्या दिया हुआ है उसका लंबाई और चौड़ाई, आयत में ही होता है लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि हो रहा था सर, वो बताइए। 10% और 30% की वृद्धि हो रही है, दोनों बार वृद्धि हो रहा है, तो एक बार 10% और एक वृद्धि हो रहा है, और एक बार कितना प्रतिशत हो रहा है? 30%, ठीक है, 30% वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ प्रतिशत लिखने का जरूरत नहीं है, गलती से लिखा गया मेरा कोई बात नहीं है, यहाँ पे 10% 30% दोनों बार वृद्धि हुआ है, तो प्लस प्लस प्लस, और यहाँ पे 10 × 30 / 100, बताइए दोस्तों जवाब डायरेक्ट बताइए, यहाँ पे 2 जीरो पे 2 जीरो खत्म,
ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर में खाली तीन एकम तीन बच गया, दस और तीस, तीस और दस, तीस और दस चालीस, और चालीस और तीन तिरालीस, डायरेक्ट 43% लिख देंगे। समझ ही गए होंगे कैसे कैसे, दोनों जीरो से दोनों जीरो उड़ गया, नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं है, तीन एकम तीन और इधर तीस दस चालीस और तीन तिरालीस, तो बताइए कितना फास्ट हो रहा था। ठीक है, तो बस दोस्तों जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे पीछे पसीना बहा रहे हैं दोस्तों, बस उस तरह आपको भी मेहनत करना है। पूछा था कि क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा, तो यही क्षेत्रफल पर प्रतिशत प्रभाव, हाँ यही प्रभाव पड़ेगा, क्षेत्रफल 43% बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है, वो यहाँ पे सिंबल में प्लस 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 होते हैं, प्लस आपको वृद्धि को दर्शाता है। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हम निकाल दे रहे हैं बोर्ड से, और अगला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे सर नजर आ रहा है ऊपर में। किसी वृत्त की त्रिज्या 30% बढ़ जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये जितना भी हम लोग क्वेश्चन अभी देख रहे हैं सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये वाला में डिफरेंस क्या है कि इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि एक ही प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक ना, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या 10% दिया हुआ है ना, 10% क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ जा रहा है, तो उसको क्या निकालना सर, निकालना क्षेत्रफल क्या प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे समझिएगा दोस्तों कि जब हम लोग अभी तक तो पढ़ते आए हैं कि ए और बी दोनों दिया रहना चाहिए तभी ना फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ही प्रतिशत दिया हुआ है सब में, दो इससे पहले जो बना है हम लोग दो क्वेश्चन उसमें दो दो प्रतिशत दिया हुआ था, तो आप लोग तुरंत पकड़ लेते थे कि हाँ एक तो ए है एक तो बी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ही तो यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे समझेंगे, तो आप लोग देखिए वृत्त या वर्ग दोनों जो रहता है उसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है जरा सोचिए, बताइए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, बहुत अच्छा, तो बताइए दोनों में तो स्क्वायर हो जा रहा है, वृत्त का त्रिज्या का स्क्वायर हो रहा है पाई आर स्क्वायर में, और यहाँ वर्ग में भुजा स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे इसी को हम लोग स्क्वायर कर देंगे दो बार गुना, मतलब ए और बी दोनों के लिए वैल्यू आपका है जो है 10% होगा, याद रखिएगा किसमें किसमें लागू हो रहा है, जिसका क्षेत्रफल में स्क्वायर आ जाता है। ठीक है ना, जैसे आपका वर्ग और वृत्त हो गया, और आपका आयत का क्षेत्रफल में स्क्वायर नहीं आता है क्योंकि इसमें लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है, तो उसमें कहीं स्क्वायर का जिक्र नहीं है। तो समझ गया हमने, जब एक ही तो अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो ए और बी दोनों के लिए मान वही होगा, तो यहाँ पे बोल रहा था कि वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही थी ना सर, वृद्धि हो रही थी, तो ए के लिए भी 10% और बी के लिए भी 10%, और दोनों में एक ही चीज होगा, या तो वृद्धि होगा तो दोनों में वृद्धि, या कमी तो दोनों में कमी, तो 10 प्लस प्लस मिलकर यहाँ हो जाएगा प्लस, और 10 गुने 10 और बटा नीचे में 100, तो ये पूरा यहाँ पे कट जाएगा। ठीक ना, 10 100 खत्म, और यहाँ पे 10 20 और 1 21 सीधा हम यहाँ पे 21% आकर वृद्धि होगा उसका पूरा क्षेत्रफल। हमको लगता है कि समझ गए होंगे, और वर्ग वाला बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं और चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा मेरा डस्टर देख के आप लोग थोड़ा सा हो सकता है कि हंसी आ रहा हो, किसी को गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा मजबूरी को समझिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी पूरा मार्केट अभी लॉकडाउन में बंद है, इस वजह से मैं कुछ सामान खरीद नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, तो बस ये सब लॉकडाउन टूटेगा दोस्तों उसके बाद तब आप मतलब कि मैं ले लूँगा, और आप लोग हर चीज मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा सुविधा दे सकूँ। तो दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं देर न करते हुए, सर बताइए। चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो रही है, उसके बाद किसी परिवार को खपत कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि खर्च पहले जितना ही रहे। अच्छा ठीक है, देखिए मूल्य मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है चीनी का मूल्य में, मूल्य जो पहले था, ठीक ना, पहले जो मूल्य था वो था आपका 25% जो पहले मूल्य था ओरिजिनल मूल्य था 100%, लेकिन 25% जब वृद्धि के बाद यानी यहाँ पे बढ़ जा रहा 25%, तो बताइए 100 का 25% 125, ठीक,
125, 100 का 25% 25 होगा और 25% वृद्धि हो रहा था इसलिए इसमें जोड़ दियो, ठीक है। तो यहाँ पे 125 हो गया है, ठीक है। और एक चीज और आपको बता देते हैं, छोटा मोटा चीज है, मतलब कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे छोटा गलती है, लेकिन छोटा को हम बड़ा गलती मानते हैं, क्योंकि यहाँ 25% नहीं लिखेंगे हम लोग, सीधा हम लोग 100 लिखेंगे। 100 का 25% होता है 25, और 25% वृद्धि हुआ है तो अब मूल्य हो गया 125 रुपया। अब बोल रहा है कि कोई भी जो युद्ध, मतलब कि क्या लिखा हुआ था, उसका खर्च परिवार कोई अपना खर्च कर रहा था 100 रुपया, वृद्धि 25% हुआ तो इतना अब लग रहा है उसको, ठीक है। अब बोल रहा है कि लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है, सोच रहा है कि हमको 100 रुपया में चलाना है, तो उसका खपत में कितना कमी करना होगा, ठीक है। तो खपत में कितना कमी करना होगा दोस्तों, यहाँ पे समझिए, इसको हम चाहते तो उस ए और बी करके भी बना सकते थे, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी बना लीजिएगा इसको, आप कोशिश कीजिएगा उससे भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम अलग तरीका से बता रहे हैं, ये भी समझ लीजिए काम देगा। देखिए तो यहाँ जब मूल्य शुरू में 100 रुपया था, तो यहाँ पे 25% का वृद्धि हो गया मूल्य में, ठीक है। तो 25% में जब वृद्धि हुआ तो 100 का 25% कितना है 25, तो 100 का 25% 25 हुआ, तो आप वृद्धि हो के 25 रुपए का, यानी वृद्धि हुआ, अगर वैल्यू में देखें तो 25 रुपए का वृद्धि हुआ है, तो और 25 125 हो गया। अब बोल रहा है कि कितना यहाँ पे खपत में कमी करे कि उसका मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो, यानी जितना वो पहले खर्च कर रहा था 100 रुपया, वही बाद में भी खर्च करना चाह रहा है, तो बताइए यही पे खेलना है, कितना का यहाँ पे कमी करना पड़ेगा 125 में कि 100 आए 25 का कमी करना पड़ा, तो ऊपर में 25 लिख दिए पहला काम, ठीक। किससे 25 कम करना पड़ा कि 100 आया, नहीं 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 यहाँ यही दोनों में संख्या बताना है, जैसे आप बताए ना सर कि यहाँ 125 है, 125 में कितना प्रतिशत कम किए, कितना कम करेंगे कि 100 आ जाए, तो 125 में 25 कम किए कि 100 आ जाए। अब किस से हम लोग 25 कम किए, 125 का ना, तो यहाँ 125 लिख देंगे, ठीक है। ये दो चीज याद रखिएगा कि से जो रहता है ना, से वो हमेशा नीचे रहेगा, किस से 25 कम किए, 25 कम किए तो ठीक है, यहाँ जाने के लिए हम 25 कम किए, लेकिन किस से, दोनों यही दोनों में कोई होगा, लेकिन किस से पूछेगा, तो जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 125 से न किए 25 कम, तो यहाँ नीचे में 125 हो जाएगा, हर बात कुछ नहीं करना है, गुना 100 कर दिया, समझाने में थोड़ा समय लगा होगा जरूर, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, तो आप लोग देख के ही आप लोग जवाब दीजिएगा इस सब ये सब का। तो यहाँ बताइए 25 25 125 और 5 से ही वाला 120 बार में कर जाएगा, यानी 20% उसको अपना खपत में कमी करना पड़ेगा, और ए बी वाला करके बना लीजिएगा दोस्तों आप लोग खुद, अगर नहीं बनेगा तो फिर समय में बताइएगा, उसको भी बता देंगे, लेकिन अभी समय मतलब कि हम लोग ना बर्बाद करते हुए अगला पड़ा दूसरे टाइप का देखने जा रहे हैं, तो भी मिटा देते हैं। वही सर, तो राम की आय श्याम से 40% अधिक, हाँ राम श्याम, ठीक है, राम की आय श्याम से 40% अधिक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे रुकेंगे, एक वाक्य पढ़े हम लोग, यहाँ पे हम लोग एक कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक ना, स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि राम की आय, राम की आय किससे श्याम से कितना प्रतिशत अधिक है, 40%। तो राम की आय जिससे बोला जाए दोस्तों, जिससे बोला जाए कि राम की आय श्याम से, तो श्याम से बोला जाए, श्याम से कंपेरिजन हो रहा है, तो उसको सौ मान लेंगे फटाक, ठीक है। राम की आय श्याम से जिसमें से लगा रहे हैं उसको सौ लगा रहा है, तो श्याम से 40% अधिक, बताइए गलत कहीं लिखे हैं, नहीं सर सही है, एकदम सही है, कोई दिक्कत, राम की आय जो है श्याम से 40% अधिक, तो जिससे कुछ बोला जाए कि हमला से इतना प्रतिशत अधिक, उसको तो मान लेंगे, और उसके बाद 40% अधिक, तो 140 हो जाएगा, तो हमारी क्वेश्चन है सर, हाँ आगे बोलिए, तो श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत बस, ठीक है, तो श्याम की आय, श्याम की आय राम से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले ये बताइए कि ये ऐसे वैल्यू में कितना कम है, 40 वैल्यू गुड सर, अब किससे 40 कम है, राम से ठीक है, यानी 140 से, 140 से ठीक है, और गुना, तो देख लीजिए एक बार फिर से कैसे हम लिखें,
तो के बाद क्वेश्चन पढ़िए सर। तो श्याम की आय, श्याम की आय यानी ये जो हाँ राम से, राम से कितना प्रतिशत कम, तो श्याम की आय राम से कितना, पहले प्रतिशत छोड़ दीजिए, मतलब प्रतिशत को ध्यान नहीं देना, श्याम की आय राम से कितना कम है, अगर ये आपसे पूछा तो आप कितना जवाब दीजिएगा, 40, तो 40 ऊपर भी लिख दिए। अब किससे 40 कम है, राम से, राम से यानी 140 से, राम का वैल्यू बोलना है 140 से, है ना, 140 से 40 कम कर रहे हैं तब श्याम की आय आ रहा है, 140 नीचे आ गया, ठीक। तो अब यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देना, बस हम आपको समझ गए होंगे, तो आप खाली काट के आंसर ला देना है, तो यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, और यहाँ पे तो 400/14 कर दीजिए, 400/14 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग कर दीजिएगा, है ना। मिटाते हैं दोस्तों, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन पढ़ दीजिए सर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, तो जिसमें हम इससे पहले हम बोले थे कि जिसमें से लगा हुआ रहे उसको कितना मानना है, 100 मानना है, तो बहुत अच्छा सर। तो यहाँ पे हम लोग तीसरी संख्या से यानी यहाँ पे 100 मानना, तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम, यही है ना क्वेश्चन। एक बार पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए सर। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। 25% और 20% कम है, तो बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो 25% कम है, ठीक ना, तो इससे 25% कम है तो ये कितना लिखा जाएगा, और ये 20% तो ये कितना लिखा जाएगा, 80, ठीक है। तो अब प्रश्न पढ़िए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत, तो पहली संख्या, ठीक ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काहे कि इसमें का आ रहा है, ठीक ना, पहली संख्या यानी 75 जो बोल रहा है, तो उसको लिखते जा रहे थे, पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी कितना, दूसरी संख्या कितना है, 80 यानी 80 का कितना प्रतिशत, पहली संख्या 75, दूसरी संख्या का वाला हमेशा नीचे रहना चाहिए, याद रखिएगा, यही सब तो याद रखना है, मेन यही पे गड़बड़ कर देता है, कभी कभी 80 ऊपर कर देगा, 75 नीचे कर देगा, तो दोस्तों पूरा आंसर उसका गलत आ जाएगा, ठीक है ना। तो गलती यही पे स्टूडेंट से होता है, जहाँ जहाँ गलती होता है, हम खुद एक स्टूडेंट रह चुके हैं, तो इस सबसे मतलब कि हम जो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर देते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 75 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन यही है, तो 75 80 का जिसमें लगा है नीचे रहना चाहिए, बस बस काट के तो आंसर लाना है, तो आप कर ही लीजिएगा, 20 25 100, ठीक है, बताइए सर। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए। अच्छा, ठीक है दोस्तों, एक चीज और बताना चाहेंगे थोड़ा सा, ये जो क्वेश्चन अभी हमारे मित्र पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन जो आपका रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, जी मैं सही बोल रहा हूँ सर, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी पे भी ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान से देखना है, अब मजा और भी आने वाला है दोस्तों, और थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जा रहा है, लेकिन आप लोग धैर्य रखिएगा, और आप लोग आज बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, तो बताइए सर क्वेश्चन। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 33% अंक निर्धारित किए गए, ठीक है, सफल होने के लिए यानी पास मार्किंग आपका जो है कितना है, 33%। आगे पढ़िए सर। एक प्रत्याशी 210 अंक प्राप्त करके 21
अंक से फेल हो गए, फेल हो जाता है। हाँ, मतलब लाया है कोई प्रत्याशी है, वो लाया कितना है, कितना लाया है, 210 अंक प्राप्त करके। हाँ अच्छा, 210 अंक प्राप्त करके, देखिए लिख रहे हैं जो इसको समझिएगा, 210 अंक प्राप्त किया, ठीक है, 21 अंक से असफल हो जाता है, 21 अंक से फेल हो जा रहा है, मतलब कि 210 नंबर लाया तो पास नहीं हुआ है, मतलब समझिए 33% पास मार्किंग है ना, तो यानी 210% ला के भी फेल हो गया, मतलब कि 33% से कम लाया होगा, ठीक, तो यहाँ पे 33% बराबर बताइए, यहाँ पे 210 लाया है उसको पास होने के लिए और कितना नंबर से फेल हुआ उसका, 21 नंबर से फेल हुआ, अगर ये 21 नंबर आ जाता तो उसका हो जाता पास, पास हो जाता, और पास मार्क का प्रतिशत में वैल्यू कितना दिया है, 33% आपका पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि 33% बराबर 210 और प्लस 21, 21 जुड़ेगा तब वो 33% लाया और पास हुआ, नहीं तो अगर 210 में तो वो तो फेल था, ठीक है, तो अब बताइए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल परीक्षा का पूर्णांक, कुल अंकों का पूर्णांक क्या है, पूर्णांक, तो पूर्णांक हमेशा कोई परीक्षा में जितना भी नंबर का रहता है कुल कुल जो अंक है वही 100% होता है, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा टोटल मार्क्स जो होता है परीक्षा में, टोटल मार्क्स जो होता है, ठीक है, वो हमेशा 100% होता है, ठीक, तो वही चीज पूछ रहा है कि कुल मार्क्स कितना होगा परीक्षा में, ठीक है, तो यहाँ पे 100% बराबर हम लोग निकालेंगे, तो जब यहाँ पे 33% बराबर इसको जोड़ लेते हैं, है ना, 231 आ रहा है, ठीक है, तो 233% बराबर 231, ठीक है, तो 100% बराबर जब निकालेंगे तो 231 गुना 100 और बटा 33, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा क्योंकि जितना प्रतिशत बराबर जो वैल्यू देता है, अब उसके बाद 100% जब निकालना है तो खाली क्लोज मल्टीप्लिकेशन कर देना रहता है, तो इसको इससे गुना कर दीजिए, वही काम यहाँ पे किए हैं, 100 गुने थे यहाँ पे, 100 गुने सब दोनों को जोड़ के 231 आया था, तो 100 गुने 231 और ये वाला बट्टा हो जाता है, मतलब नीचे भी ये भाग गया, ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करके बस ला दीजिए, यहाँ पे इसको 11 से अगर काटेंगे तो 11 से ये वाला कट जाएगा और ऊपर वाला भी कट जाएगा, देख लीजिए 11 3 33 और 11 2 22 और 11 1 11, ठीक है, अब 11 × 1 तो करते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 से इसको काट देते हैं, 3 7 21 नजर आ रहा है आप लोगों को, 7 × 100 तो बराबर 700 आपका यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स, टोटल मार्क्स आपका कितना है 700, तो बताइए दोस्तों इस समझ में आ गया है और ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो जो दोस्त रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो उस सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, और दोस्तों थोड़ा सा इसको बोर्ड पर हम साफ कर देते हैं फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, बताइए सर कौन सा क्वेश्चन, किसी ड्रम में 250 लीटर मिट्टी का तेल है, अच्छा ठीक है, 5% तेल टपक कर बाहर गिर जाता है, तो ड्रम में अब कितने प्रतिशत तेल शेष बचा, ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्न नजर आ रहा होगा दोस्तों स्क्रीन पर, तो देखिए इसमें बोल रहा है कि टोटल कितना तेल था 250 लीटर, है ना, तो 250 लीटर तेल जब है, इतना लीटर है, ठीक है, तो इतना लीटर तेल ये पहले था, यानी तो जो पहले जो रहता है टोटल वैल्यू वो हमेशा अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100%, यानी 250 बराबर हम 100% लिख सकते हैं, अब देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें 5% गिर जाता है, यानी गिर गया मतलब वो तो खत्म हो गया तेल, यानी 5% प्रतिशत का जब बात हो रहा है कि 5% गिर रहा है, तो प्रतिशत की तरफ घटा देंगे तो 5% जब घटाएंगे तो कितना प्रतिशत आ रहा है 95%, तो प्रश्न आपका लास्ट में क्या था सर, 5% टपक कर गिर जाता है तो कितने प्रतिशत तेल शेष बचा, यानी कितना प्रतिशत तेल शेष बचा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत तो क्या होता है कि कुछ ज्यादा एडवांस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, एडवांस पढ़ना भी चाहिए सही बात है, लेकिन क्या होता है ना कि हड़बड़ में यहाँ पे गड़बड़ करते हैं कितना प्रतिशत तेल शेष बचा, प्रतिशत पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे प्रतिशत अगर पूछ रहा है तो हम लोग प्रतिशत में जवाब देंगे, यानी आपका कितना आंसर होना चाहिए 95%, अगर यही चीज पूछता कि कितना तेल शेष बचना चाहिए ड्रम में, अगर कितना शेष तेल बचा तो तेल बचा प्रतिशत उसमें जिक्र नहीं होगा दोस्तों, तब हम लोग निकालेंगे कि 95% बराबर कितना,
परसेंट बराबर 250 लीटर, तो 95% बराबर कितना हो जाएगा, तो 95 को इससे गुणा करना है, ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन जो अभी हम लोग बता इससे पहले बता चुके हैं, तो ये 95 गुने 250 और बटा 100, तो जब काटेंगे इसको तो आप लोग काट लीजिएगा कितना आंसर आ रहा है सर बता दीजिए, 95% का वैल्यू ये आ इसका जो ये प्रश्न आपको नजर आ रहा है इसका जवाब ये है, ठीक ना, ये जवाब है क्योंकि ये पूछा है कि कितना प्रतिशत तेल बचे, लेकिन ये हम अपने तरफ से बताएंगे, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रतिशत ना पूछ के उसका सीधा कितना लीटर तेल बचेगा, तो उसका इस तरह से बनेगा सीधा 95% बराबर निकाल देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का क्लास बस यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग इसी अगले वीडियो में, और इसी तरह का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में देखने जा रहे हैं दोस्तों, तो उसको मिस मत कीजिएगा दोस्तों, और उस वीडियो में आप लोगों को हम इसी तरह का विगत वर्षों का जो प्रश्न पूछा जा चुका है रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, उन्हीं सब प्रश्नों को लेकर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और लाइक और एक बात बोलना भूल गया दोस्तों, आप लोग लाइक थोड़ा नहीं करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर थोड़ा सा जरूर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी चैनल को आप लोगों का बहुत साथ का जरूरत है, तो थोड़ा सा साथ दीजिए दोस्तों, बाकी हम मेहनत करते रहेंगे आप लोगों के लिए। धन्यवाद।